हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो V11 प्रो के लिए एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे आप देखते हैं फ्रेंड्स कि ये दिख रहा होगा आपको कि ये नोटिफिकेशन बार रहता है, नोटिफिकेशन पैनल जो रहता है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि इस नोटिफिकेशन जो रहता है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये जी वाला नोटिफिकेशन जो है वो पसंद आता है और किसी को पसंद नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँ कि आप अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपल आपको ये सर्च करना है नोटिफिकेशन पैनल, ठीक है। इतना जैसे ही आप सर्च कर लेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन ये वाला सेकंड नंबर पे एप्लीकेशंस मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप गाइस इसको इंस्टॉल कर लेते हो, देखिए तब तो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद यहाँ से इसको अलाउ कर देना और ये इनको जितनी भी सेटिंग्स हैं इनको सबको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर मिल जाएगी आपको, यहाँ पर जाकर इसमें ढूंढ लेनी है किधर गया गाइज। ये देखें यहाँ से भी आपको इसको ऑन करा दे रहा है। अब उसके बाद सेकंड एक रिलास्ट रह जाती है, इसको भी आपको ऑन कर देना है और अलाउ कर देना है। गाइज देखिए अभी ये डन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से पैनल थीम सिलेक्ट कर लेनी है आपको, किस टाइप की चाहिए, ओरियो की चाहिए, एनोवर्ट की चाहिए या फिर पाई की चाहिए। अगर पाई की करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही आपको ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर करना चाहे ब्लैक ब्लू जैसा कलर आपको करना है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस, देखिए कि हम नीचे से निकालते हैं तो ये भी शटर हमारा काम करने वाला है, नोटिफिकेशन पैनल, और प्लस आपको ये वाला पैनल भी काम करने वाला है जो कि एंड्रॉइड पाई के जैसा है, आपको सेम मिलने वाला है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल एंड्रॉइड पाई के नोटिफिकेशन पैनल आपका चेंज हो चुका है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा ये है कि गाइज अगर हम नीचे से करेंगे तब भी हम इसको अपने पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। देख ठीक है, तो ये तो एंड्रॉइड पाई वाला नोटिफिकेशन पैनल हो गया। और प्लस अब मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा मार्शमेलो वाला जो रहता है गाइज, तो ये देखिए नोवर्ट वाला कर देता हूँ। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो ये गाइज देखिए ये भी हमारा चेंज हो गया और यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैटरी बैकअप देख सकते हैं और फ्लैश लाइट भी आपको अच्छे से वर्किंग करने वाली है। और गाइस यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, स्क्रीनशॉट लेने का सिस्टम आपको ऐसे स्टार्ट कर देना है और अलाउ कर देना है। उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका। और ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको खिंच जाएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।